காஷ்மீரில் ஆயுதப்படை சிறப்பு சட்டம் திரும்ப பெறப்படும் என்று காங்கிரஸ் வாக்குறுதி பொறுப்பேற்றது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமர்சித்துள்ளார். நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த அவர், ராணுவ வீரர்களுக்கு தீங்கிழைக்க தான் ஒருபோதும் விடமாட்டேன் என்றும் கூறியுள்ளார். आप अक्सपा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि अक्सपा की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आपसा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं, तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्य करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं, जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत के सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है, बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है।